अगर आप ये मानते हो कि मरे हुए लोग किसी तरह से वापस इस दुनिया में आ सकते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, तो आप ऐसा बिलीफ रखने के लिए अकेले नहीं हो। हर 4 में से 1 इंडियन ये मानता है कि भूत असली होते हैं। भूत प्रेतों की कहानियाँ हमेशा से ही हमारे कल्चर का हिस्सा रही हैं। साइंस पर आने से पहले अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स में भूतों के मेंशंस को ढूंढें, तो भगवद गीता के चैप्टर 9 की वर्स 25 में बोला गया है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास चले जाते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वो अपने पूर्वजों के पास ही चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो खुद भी भूत बन जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझ में समा जाते हैं। हाउएवर, ये वर्स इंसानों के कर्मों पर फोकस्ड है, ताकि लोग इन बातों को पढ़कर फालतू के कामों में समय बर्बाद करने के बजाय अपने भगवान यानी सिर्फ हाईएस्ट गुड को ही अपना टारगेट बनाएं। पर योगा सूत्रास और गरुड़ पुराण जैसे टेक्स्ट में गोस्ट्स को ज्यादा सिंपली डिसएम्बॉडीड बीइंग्स या फिर नॉन लिबरेटेड और इविल फोर्स जैसे नाम दिए गए हैं। भूतों में विश्वास भी तभी बढ़ने लग गया था जब पॉपुलेशन के कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगे थे और फिजिकल दुनिया के पार क्या है इसे खोजने लगे थे। लेकिन जहां असली क्यूरियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी ने कई सिविलाइजेशंस को एक सॉलिड फाउंडेशन तो दी, जिससे वो रिलीजन, कहानियां, रिचुअल्स और सही तरह से जीने का तरीका क्या होता है ये फिगर आउट कर पाए। पर इसका एक नेगेटिव आउटकम ये निकला कि बहुत से लोग उन चीजों में भी विश्वास करने लगे जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और तब से हम भूतों के टॉपिक पर इसी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते कि क्या ये चीज एक्चुअल में प्रूवन और रियल है या फिर क्या ये बस एक अंधविश्वास है। वेल, अगर हम 200 से 300 साल पीछे जाएं, तो तब के समय पर इस चीज को बहुत ही शुभ और जरूरी माना जाता था कि आप एक मीडियम को घर बुलाकर अपने गुजरे हुए एंसेस्टर से बात करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो। एक मीडियम बेसिकली वो इंसान होता है जो क्लेम करता है कि वो मरे हुए लोगों को देख या फिर उनसे बात कर सकता है। मीडियम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ जहां उन्हें गोस्ट की प्रेजेंस को प्रूव करने के लिए टेबल को छुपी हुई तारों से हिलाते हुए पकड़ा गया। छुपी तारों की मदद से वो ऐसी एक्टिंग करते कि एक रूम में एक प्रेत आत्मा आ चुकी है और वो गुस्से में है, और वो आत्मा ही उस टेबल को हिला या फिर उसे हवा में उठा रही है। अकेले इंडिया में ही हजारों हॉन्टेड प्लेसेस हैं जहां हर साल कई 100 और हजारों गोस्ट साइटिंग्स रिपोर्ट करी जाती हैं। यानी भूतों की असलियत जानने में सिर्फ फ्रॉड लोगों की ट्रिक्स को समझने से काम नहीं चलेगा, हमें लोगों के पर्सनल और इंटीमेट एक्सपीरियंसेस को भी अकाउंट में लेना होगा। इसलिए इस एपिसोड में हम साइंटिफिकली एक्सप्लोर करेंगे 5 डिफरेंट गोस्ट एक्सपीरियंसेस के टाइप्स को और देखेंगे कि क्या साइंस इन हॉन्टिंग्स या फिर गोस्टली एक्सपीरियंसेस को एक्सपोज कर सकती है या फिर नहीं। नंबर 1, सीइंग गोस्ट्स। पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े विजुअल हेलुसिनेशंस को साइंस अक्सर कार्बन मोनोक्साइड के एक्सपोजर से रिलेट करती है। जब भी कार्बन मोनोक्साइड बॉडी में एंटर करती है तब वो हमारे खून के साथ मिल जाती है और खून को हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचने से रोकती है, जिससे डिजीनेस, हेलुसिनेशंस और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इंडिया में अक्सर ये होता है गैस बेस्ड हीटिंग सिस्टम्स जैसे गैस गीजर्स, कुकिंग गैस वाले पाइप्स में लीकेज या फिर रूरल एरियाज में जो लोग गैस बेस्ड लैंप्स के पास रहते हैं उससे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस तरह की टॉक्सिक पॉइजनिंग पुराने घरों में ज्यादा होती है उनके घिसे और पुराने इक्विपमेंट की वजह से। यही रीजन हो सकता है कि क्यों गोस्ट साइटिंग्स पुरानी बिल्डिंग्स में टिपिकली ज्यादा रिपोर्ट करी जाती हैं। लेकिन उन गोस्ट साइटिंग्स का क्या जो सुबह के समय और ऐसी बिल्डिंग्स में होती हैं जहां पर गैस लीकेज का कोई चांस ही नहीं है। वेल, 1980s में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी जब अपनी लैब में देर रात तक काम करने लगे थे, तब वो बोलने लगे कि रात के समय उन्हें अपनी लैब में डिप्रेशन और एक अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग होती है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके साथ रूम में कोई और भी मौजूद है। उन्होंने रिपोर्ट करा कि उन्हें अपनी आंखों के कोने में आत्माएं भी दिखने लगी हैं। विक एक रिसर्चर होने की वजह से अपने इस एक्सपीरियंस की जड़ तक पहुंचना चाहते थे, और एक दिन उन्होंने नोटिस करा कि उनके आगे उनका एक इंस्ट्रूमेंट काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। उन्होंने उस वाइब्रेशन के सोर्स को ढूंढना शुरू करा और तब पता लगा कि वाइब्रेशन उनके एक रिसेंटली लगाए गए फैन से निकल कर आ रही है, और ये फैन उसी जगह के पास था जहां पर उन्हें आत्माएं दिखती थी। लैब में लगा हुआ फैन अल्ट्रासाउंड को एमिट कर रहा था 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, और साइंस बताती है कि जब भी एक फ्रीक्वेंसी इस रेंज के आसपास आती है तब हम इंसानों में टेंशन, डर, डिप्रेशन और पैरानॉर्मल सेंसेशंस बढ़ने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर हमारी आईबॉल्स भी वाइब्रेट करने लगती हैं और हमें वो चीजें दिखने लगती हैं जिनका कोई असली वजूद नहीं होता। इसका मतलब एक खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस दे सकता है। नंबर 2, हियरिंग गोस्ट्स। छोटे मोटे इंसिडेंट्स जैसे वुडन फ्लोर्स के चटकने की आवाज
जो किसी के चलने जैसी सुनाई देती है, उन्हें एक्सप्लेन करा जाता है वुड में ह्यूमिडिटी लेवल्स के चेंज होने से। लेकिन जिन लोगों को अपना नाम या फिर कोई और बात सुनाई देती है, और इवन जो घोस्ट हंटर्स ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन जैसे डिवाइस की मदद से भूतों की बोली बातों को रिकॉर्ड करने का क्लेम करते हैं, उन्हें साइंस ऑडिटरी पैरेडोलिया बोलती है, जिसका मतलब होता है रैंडम नॉइजेस में अपनी खुद की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना। यानी जिस तरह से कई बार हमें बादलों में कोई चेहरा दिखने लगता है, वैसे ही कई बार हम रैंडम साउंड्स में भी कोई मीनिंग निकालने लगते हैं। नंबर 3, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। भूतों को देखना और सुनना तो एक बात है, लेकिन क्या साइंस किसी टच के बिना हुई चीजों की मूवमेंट्स को एक्सप्लेन कर सकती है? हम अक्सर मूवीज में भूतों को ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखते हैं, और ये भी कि किस तरह से घोस्टली प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खराब करना शुरू कर देती है। एपिसोड के शुरुआत में हमने मीडियम्स और उनकी छुपी हुई तारों के थ्रू हुई मूवमेंट्स की बात करी थी। इसके साथ ही दरवाजों के अपने आप बंद हो जाने को जोड़ा जाता है एयर प्रेशर के चेंज होने से, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मेल फंक्शनिंग यूजली होती है हवा में कंडेंसेशन और कई फॉरेन पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रीनोस की वजह से, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को ईजिली खराब कर सकते हैं। नंबर 4, ड्रीमिंग ऑफ घोस्ट्स। भूतों को सपने में देखना या फिर उठते हुए अपने रूम में एक राक्षस की मौजूदगी को एक्सपीरियंस करना, ऐसी चीजों को स्लीप पैरालिसिस से एक्सप्लेन करा जाता है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्टेट होती है जो अक्सर सुबह के समय आती है, जब हमारी नींद खुलना शुरू हो रही होती है और हमारी आंखें भी एक्टिव हो चुकी होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी पैरालाइज्ड होती है जस्ट बिकॉज हमारा मन पूरी तरह से हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं आया होता। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम तो उठ चुके हैं लेकिन हम अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहे, तब हमारा मन अपनी आधी नींद में कई डरावनी चीजों या फिर लोगों को इमेजिन करने लगता है। हमें ऐसा फील होता है जैसे कोई एंटिटी हमारी चेस्ट पे बैठी हो और हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहती हो। यहाँ तक कि स्लीप पैरालिसिस से जुड़ा डर और डिल्यूजन इतना कॉमन होता है कि ज्यादातर एलियन एबडक्शंस के केसेस को भी स्लीप पैरालिसिस से ही जोड़ा जाता है। नंबर 5, बीइंग टच्ड बाय घोस्ट्स। साइंस बताती है कि एक सिचुएशन या फिर जगह का कॉन्टेक्स्ट भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को जन्म दे सकता है। 1997 की एक रिसर्च में 22 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया। 11 लोगों के एक ग्रुप को एक थिएटर में ले जाते हुए ये बोला गया कि वो थिएटर हॉन्टेड है, जबकि दूसरे ग्रुप के लिए वो बस एक नॉर्मल थिएटर ही था। इसके बाद जब पहले ग्रुप से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उन्हें अंधेरे कोनों में लोगों के चेहरे, घूरते हुए लोग, अननोन आवाजें और टच की फीलिंग भी एक्सपीरियंस करने को मिली, जबकि दूसरे ग्रुप ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस रिपोर्ट नहीं करा। ये बताता है कि किस तरह से हमारा दिमाग एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यानी ये सुनने पर कि एक जगह हॉन्टेड है, वो खुद ही अलग अलग तरह की सेंसेशंस प्रोड्यूस करने लगता है। घोस्ट एनकाउंटर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट पैरानोया और फियर ही है। इसके अलावा हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि शायद भूतों की कहानियों का एक और पर्पस बच्चों और इवन बड़े लोगों को कई पर्टिकुलर चीजों को करने से रोकना भी हो सकता है। अगर एक रोड या फिर जगह डेंजरस है, तो एक पेरेंट अपने बच्चों को डरा सकता है और उन्हें वहां जाने से रोक सकता है ये बोलकर कि वो जगह तो हॉन्टेड है। हाउएवर, इन सब साइंटिफिक और रैशनल एक्सप्लेनेशंस के बीच हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साइंस भूतों को इस बेसिक अजम्पशन पर अपने इंस्ट्रूमेंट से कैप्चर करने की कोशिश कर रही है कि भूत फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हमारी ये अजम्पशन गलत है तो हमारे सारे साइंटिफिक कंक्लूजंस भी गलत होंगे। साइंस के एक डेफिनेटिव आंसर के बाद भी भूतों से रिलेटेड बहुत सी ऐसी अजीब चीजें हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। भूत से जो लोग पोजेस्ड हो जाते हैं उनका कॉज भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बताया जाता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली टॉप कंडीशन में थे? और क्यों हम भूतों को जानने के लिए सिर्फ साइंस की मदद ले रहे हैं, जबकि फिजिकल रियलिटी के पार जो है उससे सबसे गहरा रिश्ता हाईली स्पिरिचुअल लोगों का होता है। या तो साइंस ये बोलने के लिए बिल्कुल सही है कि भूत नहीं होते, या फिर हम कंक्लूजन निकालने में बहुत जल्दी मचा रहे हैं, और जो लोग इन टॉपिक्स पर एक्चुअल में हाईली क्वालिफाइड हैं उन्हें इस कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड ही नहीं कर रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताओ।